आचार्य भगवान इतने गुणों के भंडार थे, उनकी जितनी स्तुतियां की जाएं उतनी कम हैं। जैसे सहस नाम के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, स्वयंभू स्त्रोत के माध्यम से 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है, भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई, लेकिन अन्य तीर्थंकर भी उसमें गर्वित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं जो स्वयंभू स्त्रोत में जो स्तुति की गई है सिर्फ उन्हीं भगवान की गई है। सब भगवान में वो गुण होते हैं, लेकिन स्तुति के माध्यम से उनके गुणों का उद्भावन करना एक माध्यम होता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान जो संयम के भंडार थे, चारित्र के प्रखर सूर्य थे, सर्वश्रेष्ठ समाधान करता थे, बिना बारह में आचार्य जी के पास स्लिप लिखी के जाती थी, शंका समाधान होता था। 2010 में चतुर्मास चल रहा था और आचार्य भगवान के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि मैंने सुनो, इधर सुनो, आज क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, समय सार ग्रंथ लगाया है हमने तुम्हारे लिए। तो आचार्य भगवान के पास स्लिप लिख के जाती थी, शंका समाधान होता था 2010 में, और आचार्य ऋषि स्लिप जाती थी और आचार्य ऋषि उसका समाधान करते थे। एक बार एक किसी दीदी ने कुछ ऐसा प्रश्न कर दिया, उस प्रश्न को हम नहीं बताएंगे, अलग से भले ही बता देंगे, तो कुछ समस्या वाला प्रश्न आ गया तो आचार्य ऋषि ने उस दिन से शंका समाधान बंद कर दिया, है ना। तो आचार्य भगवान सर्वश्रेष्ठ शंका के समाधान करता थे, जिज्ञासा के समाधान करता थे, है ना। तो इस प्रकार से सर्वप्रिय और सर्व यश धारक थे, सर्वव्यापी और महा अतिथि थे। सामान्य तो अतिथि होते हैं, अतिथि माने क्या होता है, अतिथि माने जिनकी ना आने की तिथि न जाने की तिथि। एक बार फिरोजाबाद में लिखा था कि आज अतिथि विषय पर प्रवचन होगा, रोज लिखा जाता था बोर्ड पे, है ना। कई जगह पुराने जमाने के बोर्ड रहते हैं, आजकल नए जमाने के बोर्ड आ गए उन पे लिखा जाता है। नए जमाने के बोर्ड देखे ना, वो छोटे से होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, है ना। और पुराने जमाने के बोर्ड भी देखे होंगे आपने, रखे हैं, है ना। तो लिखा था और आचार्य ऋषि का बिहार हो गया, तो किसी ने बोला कि आचार्य ऋषि सुनो, आचार्य ऋषि आपने तो कहा था कि अतिथि विषय पर प्रवचन होगा। तो आचार्य ने बोला अतिथि का अर्थ यही तो होता है ना, जिसकी आने की थी ना जाने, इसलिए अतिथि कभी भी आ सकते और कभी भी जा सकते, सिर्फ अतिथि दीपावली तक बस निश्चित रहती है, उनकी तिथि के दीपावली तक है बस, उसके बाद कोई गारंटी नहीं, फिर कहां जाएंगे, कौन अतिथि कहां पहुंच जाएंगे, कब आएंगे, ये भी कोई निश्चित नहीं। इसलिए जिनकी ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, कई लोगों की भावना होती ना कि हमारे यहाँ महाराज दीपावली के दिन आए, हमारे यहाँ रक्षाबंधन के दिन आए, इस दिन आए, है ना, आज हमारा जन्मदिन है, बोलते ना लोग कि आज हमारा जन्मदिन है तो महाराज के आहार हो जाए, ऐसा कोई निश्चित थोड़ी है। जिस दिन साधु के चरण जिस घर में पड़ जाते हैं उसके लिए वही विशेष महोत्सव हो जाता है, त्योहार हो जाता है। पंचकलड़क में आदिनाथ भगवान का आहार होता ना, आदि आदिनाथ नहीं बोलते हैं, आदि सागर बोलते हैं ना, आदिनाथ तो बन जाते हैं, नाथ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम निश्चित नहीं रहता है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं नव दीक्षित मुनिराज की आहारचर्या। पोस्टर में जब भी लिखा जाता ना, इस पे बहस चली कि नव दीक्षित इसलिए लिखते हैं कि अभी नाम पहले से तुमने निश्चित कर दिया, नाम कौन रखता है जो दीक्षा देते हैं, अब पहले से निश्चित कर दो कि, तो फिर निश्चित नहीं होता है, लिखने को लिख भी देते कई लोग, इन बातों को लेके अपन ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो आचार्य भगवान नयन सदा आचार्य ऋषि की स्तुति की हुई है, नयन सदा यह नीचे रखते, नहीं देखते जग वैभव, पर पदार्थ से लगन नहीं है, करते आत्म का अनुभव, आंख उठा यह जिनको लख ले, उनके दुखड़े न टिकते, चर्चा करके चरिया लग के, स्वयं विरोधी जन झुकते। आचार्य भगवान का ऐसा प्रभाव था कि सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे, और हमारे पूज्य वर्तमान में भी आचार्य भगवान हैं, समय सागर जी महाराज, जिनने लगभग 40,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं, और उनकी वाणी में वो ओज है, वो तेज है और माधुर्य है कि वो सरलता सहजता के धनी हैं। जब भी उनकी बात की जाती है, हमने तो कई वर्षों तक हमें सौभाग्य मिला कि संघ में उनके चरणों में रहने का हमारा सौभाग्य रहा, है ना। और
हर नगरी उनके चरणों से लाभान्वित हुई है कि उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमारे वह आदर्श हैं जिन महाराज ने हमें दीक्षा दी, वो आचार्य महाराज, और जिनने हमें शिक्षा दी वो पूज्य हमारे ज्येष्ठ शिष्ठ, पहले के ज्येष्ठ शिष्ट मुनिराज और वर्तमान के आचार्य महाराज। उनका जितना गुणगान किया जाए वो कम है, यानी जो अपन कीर्तन करते हैं, स्तुति करते हैं, ये चाहे वह गद्य में करें चाहे पद्य में, ये स्तुति कहलाती है। इसलिए जितने देश विदेश में जो लोग बीमार हैं, मैं तो बस कुछ नहीं करता हूं, एक ही दवाई देता हूं उनको कि तुम दवाई तो करते रहो लेकिन दवा के साथ दुआ भी करते रहो। एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाली सबसे ज्यादा चीजें होती हैं, एक शांति धारा। आपने देखा होगा कि नामोच्चारण किया जाता है उसमें मंत्र होते हैं बड़े बड़े पावरफुल। एक हमारा सबसे ज्यादा विश्वास है तो एक शांति धारा पे बहुत विश्वास है अटूट, और दूसरा है हमारा स्त्रोत पाठ पे, तीसरा जाप पे। दुनिया में अगर तुम कितने भी बीमार हो जाओ, कितने भी कुछ हो जाओ, कितनी भी औषधि करा लो, अगर तुम्हें बचना है तो तीन तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल चीजें हैं, इनको कभी नहीं छोड़ना जीवन में बस, और बाकी इसके अलावा जो करना सो करना। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है विद्या भेषज मंत्र तो ही हवन, यानी विद्याएं भी काम करती, भेषज माने औषधि भी काम करती, मंत्र भी काम करते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मंत्र काम नहीं करते, मंत्र भी काम करते, औषधि भी काम करती, और जल तो माने क्या होता, जल भी काम करता, जल चिकित्सा भी होती है। इसलिए आप लोग दुनिया में घूमते रहते, कई लोग हैं दवाई कराते परेशान हैं, इधर उधर घूमते रहते, लेकिन कौन सी दवाई काम कर जाए, तो भक्ति सबसे बड़ी औषधि होती है दुनिया में। अगर जितने भी अतिशय चमत्कार होते हैं भक्ति के माध्यम से होते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि कोई प्रतिमा पावरफुल नहीं है, सब दिन दुनिया में जितनी प्रतिमाएं सब पावरफुल हैं, लेकिन जो जो जितनी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती चली जाती हैं। इसलिए हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या गुणगान करने से, ऐसा लिखा है बाहरी जो शक्तियां हैं वो उपद्रव नहीं करती हैं, यथेष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी भगवान के चरणों का सानिध्य मिले तो निश्चित आप लोग वह गुणगान भगवान का करते रहना। इसलिए प्रभु और गुरु ऐसे होते हैं, संत अरिहंत और ग्रंथ, इनका गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए, है ना। इसलिए गुरु का गुणगान सिर्फ एक दिन नहीं किया जाता है, एक निश्चित तिथि में नहीं किया जाता, प्रतिदिन अपन जैसे अर्घ चढ़ाते प्रतिदिन आरती करते, इसलिए प्रतिदिन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या है तिथि से बंध जाते हैं, लेकिन हम तिथि से नहीं बनते, इसलिए हम व्यापक रूप में कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा अच्छा भी रहता है। इस प्रकार से अखिल विश्व का हित करने को चलता जिनका नित चिंतन, पर पीड़ा लख द्रवित होटे, दया भाव से पूरित मन, जिनकी चरण धूल पाकर के चहक उठे भक्तों के मन, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में अर्पित जीवन। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवान इतने महान आचार्य भगवान थे कि जिनका गुणगान जब भी करते हैं तो लगता है कि शब्द बौने रह जाते हैं, और उनका गुणगान करते करते कोई थकता नहीं है। और जो पंक्तियां पहले शायद कभी आई नहीं होंगी और आपको सुना देते हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, उस समय पुरानी पंक्तियां हैं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत पंक्तियां तो सुनाई थी। जो नामुना की कामना से कोसों दूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं, तेरी जिज्ञासाओं की पूर्ति है वे, त्याग की तो साक्षात मूर्ति है वे, मान नहीं उनको नजरा गुरूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं, भाग उदय हो तो दर्श पाएगा, चरणों में जाके मन शांति पाएगा, कर वंदना तू कौन से नशे में चूर है, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं, अंधेरे जीवन में उजाला कर दे, जिसके भी सर पे वे हाथ धर दे, जिन्हें शासन की शोभा है वे कोहे नूर हैं, कहीं कहीं ऐसे संत भी जरूर हैं। तो आचार्य भगवान ऐसे संत थे कि जिनके गुणगान करते करते लोग कहते थे, एक बार बड़े बाबा के यहां जब कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान हुए तो आचार्य ऋषि से कहा कि आचार्य ऋषि इधर थी, भीड़ उधर थी, पूरे में थी, तो आचार्य ऋषि कह रहे
कुछ और भी तो थे लोग, कुछ और भी तो थे जो दिख नहीं रहे थे। कौन थे वो? देव। वो भी सेना थी बहुत बड़ी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े बाबा इतनी जल्दी उड़ गए, फूल से उड़ गए। आचार्य जी के बगैर में हम भी खड़े हुए थे और आचार्य जी की आंखों में हमने पहली बार आंसू देखे। ऐसी बहते हुए आंसुओं ने आंख से बस इतना ही कहा, हमें क्या पता था एक दिन घर से निकाले जाएंगे। तो जो आंसुओं का घर होता वो आंखें होती हैं। तो हम बता रहे थे आचार्य भगवान के बारे में कि वह उपगुवन अंग के सर्वश्रेष्ठ पालक थे, ज्ञान रड़ो थे और मर्यादा पुरुष थे, यशस्वी विशेष कायोसर के धारक थे, निरालंबी सर्वांग सुंदर थे। एक बार गोमटगिरी की बात थी, एक अजैन व्यक्ति ने सोचा कि एक देश के प्रसिद्ध संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके दर्शन करने चलते हैं। इंदौर में थे वो, 1999 की बात थी जे 1999 की, और आचार्य श्री गोमटगिरी में विराजमान थे। वो लड़का था और वो गया दर्शन करने, तो उसने स्टॉल पे देखा आचार्य श्री की फोटो थी बहुत सारी, तो उसने फोटो देखी तो वो लगभग आधा घंटे तक देखता ही रह गया कि इतने सुंदर देखते ही रहा फोटो को। और उसने सोचा कि अब फोटो तो देख लिए, पर ने चलो अब आई गए तो साक्षात देखते हैं। और जैसे ही वो गया और आचार्य जी का इतना सुंदर शरीर देख करके वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मूर्ति जैसी हो जाती है ना, खड़े बिल्कुल देखते ही रह गया कि अरे इतना सुंदर चेहरा उनका, इतना सुंदर शरीर कि मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। तो बोलते ना जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा, जिसकी फोटो इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। वाकई में आचार्य भगवान के जो चरण थे वो कैसे थे मालूम? पुल जैसे थे, पुल। मेंढक भी निकल जाए तो उसकी रक्षा हो जाती थी, मतलब उनकी जैसे पाटे रहते ना, पाटे में अंदर गिट्टक लगाए जाते ना छोटे छोटे, क्यों लगाए जाते? जीप वगैरह निकल जाए तो। आचार्य जी का जो पैर था, लेकिन आचार्य जी के जो पैर थे इतने मुलायम थे कि एक बार अमरकंटक में क्या हुआ, हम लोग भी साथ में थे, आचार्य जी के पैर इतने नरम थे, कोमल थे कि वो घिस गए। चलते चलते अब लगभग 1,00,000 किलोमीटर तो चले होंगे, है ना? तो 1,00,000 किलोमीटर ये हम अपने अंदाज से बता रहे हैं मोटा मोटा। तो अब आचार्य जी के पैर इतने घिस गए थे कि खून निकलने लगता, ब्लड। एक जने जाके थोड़ा सा, है ना, व्यवस्थित जो टीचर हो वो अच्छे से कर लेंगे व्यवस्थित बच्चों को। सुनो, अब आचार्य जी के पैर जो थे इतने मुलायम थे कि उससे ब्लड निकलने लगा। सुनो इधर सुनो। तो ब्लड निकलने लगता था और आचार्य जी के घाव हो गए पैरों में, पस पड़ गई, जो कंकर थे वो अंदर घुस गए। अंदर कंकर घुसने से जब आचार्य जी पैर रखते थे तो बहुत कष्ट होता था। अब डॉक्टर वगैरह आए, देखे, कंकर निकाले बहुत सारे और कहा आचार्य जी आपको तो विश्राम करना पड़ेगा, अमरकंटक जा रहे थे। अब आचार्य भगवान तो किसी की सुनते नहीं थे क्योंकि वो अपनी चर्या में कठोर थे। जब भी हमने देखा बिहार होता था तो रामटेक से सीधा नहीं, जब अमरकंटक से रामटेक सीधा बिहार चलता था, कहीं नहीं रुकते थे वो, लंबे बिहार चलते थे। अब सुनो इधर, तो लंबे बिहार चलते थे और आचार्य ऋषि जैसे ही बिहार करते थे तो पस पड़ गई उसमें, पैर में पस पड़ गई थी, तो चुभते थे वो कंकड़ों, चलते थे तो बहुत दर्द हो रहा था, चल भी नहीं पा रहे थे। कमंडल भी किसी को नहीं देते थे उस समय। अब एक ब्रह्मचारी जी को मुश्किल से दिया कमंडल, तो वो कमंडल पकड़ के चलने लगे। और फिर एक जो व्यक्ति था वो DSP था उस समय, जैनी था वो, तो वो साथ में चलता था। और आचार्य ऋषि के चरणों में इतनी पस पड़ने से रुकना पड़ा एक दो दिन, फिर वो कंकड़ निकाले धीरे धीरे, फिर कड़का आदि लगाते थे जो भी चिकित्सा आदि की जाती थी। और जो वो DSP व्यक्ति था जो साथ में बिहार करता था, आचार्य ऋषि के पुण्य के प्रभाव से आचार्य ऋषि का अतिशय वो चमत्कार हुआ कि बाद में वो SP बन गया, उसका प्रमोशन हो गया। यानी अजैन व्यक्ति भी मतलब सेवा करता था तो उसका प्रभाव प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया। देखो मतलब आचार्य ऋषि ने कितने लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हम भी बहुत जीरो पे थे लेकिन आचार्य भगवान की कृपा से धीरे धीरे बढ़ते गए। मैं आपको एक अतिशय चमत्कार बताता हूं
कि मैं बिना में जब अस्वस्थ हुआ तो मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन मैंने जब आचार्य श्री का मुख से जो डबोकार मंत्र है ना जब सुना तो अलग ही एनर्जी आ गई। यानी आचार्य श्री इतने अतिशयकारी और चमत्कारी थे, लोगों को विश्वास नहीं था। मैंने तो कई बार ऐसे अतिशय और चमत्कार उनके खुद के देखे हैं, सुने हैं और पढ़े हैं। जब मैंने उनके संस्मरण पढ़े तो मुझे विश्वास होता चला गया कि आचार्य भगवान ने 44 घंटे ध्यान लगाया और ऐसे ऐसे शमशान में कई ध्यान लगाए। अष्टमी चतुर्दशी को भी वो क्या करते थे, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास आदि करते थे, 9 उपवास लगातार किए, वो सब मालूम है आप लोगों को। क्योंकि आचार्य श्री के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब पूरी देश दुनिया सब जानते, लेकिन फिर भी उनका गुणगान हमें प्रतिदिन प्रति क्षण करते रहना चाहिए। और आचार्य भगवान की यश कीर्ति तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाना चाहिए, स्वर्ण पत्र पर लिखने की तो हमारी भावना है ही। अब कब पूरी होगी, मैंने आचार्य ऋषि का पूरा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करवाया और आचार्य ऋषि के चरण भी लगभग लगभग हम लोगों की तरफ से लगभग सेमीफाइनल हो चुके, फाइनल में इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, अब कब स्थापित होंगे, तो इस पूरे देश और दुनिया में स्थापित होना है। क्या योजना बनेगी, किस प्रकार से होगा, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें फेरबदल होता रहता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने भी इसमें मेहनत की है, सभी साधुवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छे आचार्य श्री के बिल्कुल वैसे ही के वैसे चरण है ना उकेरे गए हैं, अब आपके सामने आएंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, मेरी पर्सनल भावना है कि जहां भी आगे एक वर्ष तक, जब तक कि आचार्य श्री का समाधि दिवस आने वाला जब भी होगा, उस तक हर जगह जो भी जितने हमारे संघ के साधु हैं उनके सानिध्य में जहां भी जो कार्यक्रम हो, जितनी भी आचार्य श्री से जुड़ी समाज हैं, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वह गौशालाएं हो, हम तो कहते हैं इस बार मोमेंटो में आचार्य श्री के चरण जरूर होना चाहिए और आचार्य श्री का चित्र होना चाहिए। उसका भी हम प्रयास करेंगे, जहां जहां गौशालाएं, हथकरघा, आचार्य श्री के द्वारा जितनी भी संस्थाएं हैं और जो भी साधु संत हैं, ऐसा प्रयास करेंगे तो जरूर वो भावना पूर्ण होगी कि आचार्य श्री के चरण का ही मोमेंटो हो, उसमें आचार्य श्री का सुंदर सा चित्र हो, उसमें आचार्य श्री के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ा सा जानकारी भी हो, प्रशस्ति जैसी हो, ठीक है ना। तो इस भावना के अनुसार आप लोग ऐसा ही करते रहें। हे मेरे गुरुवर, एक बात बताओ, कहाँ है भगवान हमें दिखाओ, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम्हें तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम्हें तो नहीं, मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंत मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं, मेरे तो मन में गुरुवर तुम्ही हो बसे, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम्ही तो नहीं, तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है, सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवान तुम्ही तो नहीं, कहीं मेरे गुरुवर भगवान तुम्ही तो नहीं। इस प्रकार से